राजस्थान के जनपद बूंदी में 73वां गणतंत्र दिवस बुधवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राज्य मंत्री अशोक चांदना रहे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य मंत्री चांदना ने ध्वजारोहण कर परेड की और सलामी ली एवं इस समारोह में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए 71 प्रतिभागों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अशोक चांदना ने कहा कि हमारा प्रदेश विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। बूंदी जिले में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन व चिकित्सा विभाग तथा अन्य विभागों के तालमेल से ही हमने कोरोना को मात दी है। आज के इस गणतंत्र समारोह में जिला कलेक्ट्रेट में अमानुल्लाह खान ने राज्यपाल के संदेश का वाचन किया एवं शिक्षिकाओं ने समूह गान एवं राष्ट्रगान की प्रस्तुति की। पर्यटन नीति 2020 के तहत गेस्ट हाउस स्कीम 2021 एवं राजस्थान होम स्टे योजना 2021 लागू की गई है। राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के माध्यम से सैन महाराज पैनोरमा पुष्कर, शहीद रूपाजी कृपाजी पैनोरमा देगू, करेमती बाई पैनोरमा खांडेला का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। राज्य में वर्ष 21-22 में अब तक 32,443 क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जा चुका है एवं लगभग 1,11,00,000 पौधे वितरित किए गए हैं। 21-22 से जिला मुख्यालयों पर स्थित महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में प्री प्राइमरी कक्षाओं के संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई है। संपूर्ण उत्तर भारत में राजकीय विद्यालयों में ये पहल करने वाला राजस्थान एकमात्र राज्य है। प्रदेश में उच्च शिक्षा के प्रसार करने की दिशा में वर्ष 21-22 में 35 नवीन राजकीय महाविद्यालय प्रारंभ किए गए हैं। 5 राजकीय महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमबद्ध किया गया है। 7 राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर 9 एवं 13 के स्नातकोत्तर स्तर पर 21 नवीन विषय शुरू किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा मार्च 2019 से अब तक 275 करोड़ रुपए व्यय कर BPL स्टेट BPL अंत्योदय के लगभग 1,50,00,000 लाभार्थियों को 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूँ का वितरण किया गया है। जन सूचना पोर्टल के माध्यम से राज्य के नागरिकों को 115 विभागों से जुड़ी 258 योजनाओं एवं 561 विभिन्न प्रकार की सूचनाओं की जानकारी दी गई है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।